दोस्तों, अगर आप भी ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए नए नए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं है अभय शंकर में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा, जस्ट लाइक जोगिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सबसे बड़ी बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उन क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया है के हैरी जी ने, प्रवीण कुमार जी ने, अभिषेक मिश्रा जी ने, ममता जी ने और सिप्रा जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ट्रिपल सी का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जहां पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताया गया है। जहां पर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहां पर पूछा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और यहाँ पर जो विंडोज 7 है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे फोटोशॉप का मेन उद्देश्य क्या है? फोटो एडिटिंग का काम करना। एक्सेल स्प्रेडशीट से संबंधित कार्य होते हैं, और वर्ल्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। मीन्स किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंडआउट का उपयोग करके कितनी स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है? जब आप पावर पॉइंट यूज करते थे या इम्प्रेस का यूज करते हैं तो वहां पर हैंगआउट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके द्वारा हम स्लाइड्स को प्रिंट करते हैं। मीन्स एक चीज यहां से क्लियर होती है कि हैंडआउट व्यू के द्वारा हम स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हैंडआउट व्यू का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आइए विद प्रैक्टिकल में आपको पावर पॉइंट में दिखाता हूँ कि हैंगआउट का क्या यूज है। ये ऑप्शन आपको इम्प्रेस में मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर लोग अभी भी पावर पॉइंट का यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहां से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये है दोस्तों यहाँ पर हैंगआउट मास्टर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट 6 स्लाइडें आपको दिखाई दे रही, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन वहां पर पूछा है मैक्सिमम, तो यहाँ पर देखिए स्लाइड्स पर पेज का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 6 स्लाइड और मैक्सिमम 9 स्लाइड हम प्रिंट कर सकते हैं। आप 1, 2, 3, 4 स्लाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहें एक पेज में 5 स्लाइड कर लें तो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहें कि एक पेज में हम 7 स्लाइड या 8 स्लाइड कर लें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पूछा गया था, तो मैक्सिमम 9 स्लाइडें आप इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4, 9 याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्च सिस्टम है। मीन्स जो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर है वो एक प्रकार से क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम होता है या फिर नहीं, बताइए। तो बिल्कुल आपका सही है। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं, और कभी कभी बहुत ही कम क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए ट्रू एंड फॉल्स को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क के अवयवों में शामिल है, बताइए निम्न में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं? सर्वर, नोड, नेटवर्क कार्ड या फिर ये सभी? दोस्तों, नेटवर्क के अंतर्गत सर्वर भी आता है, नोड भी आता है और नेटवर्क कार्ड भी आता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट।
ASR stand for? ASR का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रिपल्स एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए थे जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्लस फुल फॉर्म्स मैंने बताए हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे मैंने दी है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को ओपन करिए, वहां पर भी आपको फुल फॉर्म के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप उसे देख सकते हैं। तो ASR का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है बताइए। अब तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ था तो उस समय काफी टफ क्वेश्चन था बच्चों के लिए। तो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे आप एमएस ऑफिस में प्रेजेंटेशन के रूप में उपयोग करते हैं पावर पॉइंट का, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लेता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को हम जानते हैं राइटर के नाम से। और अगर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कैल्क। कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, ये सब क्या है, इसके लिए जब मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो वहां पर इसके पूरे ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है बताइए। ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में किसे जाना जाता है, नेट बैंकिंग को, इंटरनेट बैंकिंग को, या फिर दोनों को? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, ए एंड बी दोनों, इन दोनों को हम ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है बताइए। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, PIM/M। ये आपका किस जनरेशन का है ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये ICL 2950 के अंतर्गत आता है, जो कब डेवलप किया गया था ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1974 में ICL 2950 को डेवलप किया गया था। IBM 1400 किस जनरेशन कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है बताइए। टेक्स्ट फंक्शन कौन सा नहीं, तो चार, ये भी आपका टेक्स्ट फंक्शन है, इसके द्वारा हम ABCD लिख सकते हैं, लेन एंड VR, ये तीनों आपके टेक्स्ट फंक्शन है, लेकिन IPMT आपका टेक्स्ट फंक्शन नहीं। अगर आपने एक्सेल यूज किया है या कैल्क का यूज किया है, तो वहां पर 1-2 लिखकर आप ड्रैग कर देते हैं तो आगे के नंबर आपको सीरीज में मिल जाते हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा A और B लिखकर अगर आप ड्रैग करते हैं तो उसके आगे का नंबर नहीं आएगा, जबकि A और B ऑलरेडी आपका रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ABCD पूरा कंप्लीट लाने के लिए हम चार फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा एक्सेल में हम ABCD का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, MDA स्टैंड फॉर, MDA का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो MDA का फुल फॉर्म होता है मेल डिलीवरी एजेंट, क्या होता है दोस्तों, मेल डिलीवरी एजेंट। अब नेक्स्ट, कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है, लिब्रे ऑफिस कैल्क काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट और विड्थ, इन दोनों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ट्रिपल्स एग्जाम में सेल की विड्थ भी पूछता है और सेल की हाइट के बारे में भी पूछता है। आपको लिब्रे ऑफिस कैल का मैक्सिमम जूम, मिनिमम जूम, मैक्सिमम फॉन्ट साइज, मिनिमम फॉन्ट साइज, ये सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर बार ट्रिपल सी में पूछे आते हैं। तो इसके लिए पहले हम जूम कर लेते हैं, और यहां पर आपको फॉर्मेट के अंतर्गत सेल, रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रो की हाइट की, तो रोज पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर हाइट पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कितनी हाइट होती है, 0.18। ऐसे अगर आपको विड्थ जानना है तो फॉर्मेट पे जाना है और रो के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो यहां पर विड्थ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर विड्थ पर हम क्लिक कर देते हैं तो आप सभी देख सकते हैं इसकी विड्थ होती है 0.89,
तो याद रखिएगा, विड्थ पूछता है तो 0.89 और हाइट पूछता है तो 0.18 होता है। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉन्ट साइज कितना है, तो ये है आपका फॉन्ट साइज का ऑप्शन, जहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम 6 और मैक्सिमम पूछता है तो 96 इसकी फॉन्ट साइज होती है। मेनू कितनी होती हैं, तो फाइल मेनू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट्स, डाटा, टूल्स विंडो एंड हेल्प। तो इस प्रकार से टोटल 11 मेनू इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ पर राइट आंसर टिक कर देते हैं 0.18। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरनेट किसका प्रयोग करता है। इंटरनेट के अंतर्गत हम इन सभी का उपयोग करते हैं, तो यहां पर आपको बताना है कि इंटरनेट के अंतर्गत किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है इंटरनेट। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है, बताइए। डिजिटल लॉकर काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी उपयोगी भी है, आप सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा क्लाउड है जहां पर हमें स्टोर करने की क्षमता मिलती है। मीन्स अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर आप ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं तो डिजिटल लॉकर में आप स्टोर कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत जो हमें स्पेस मिलता है 1 GB, मीन्स 1 GB तक का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आसानी से हम अपलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, WWW का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जब 3 W थे, WWW, तो सभी को इसका आंसर पता था, जल्दी बताइए WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वे, लेकिन यहां पर पूछा गया है WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, W3C का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C, बताइए। कितने लोगों का पता है, देखते हैं। तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टियम। W3 का मतलब वही हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब, और C यहां पर प्रेजेंट करता है कॉन्स्टियम को, एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम करती है। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन हैं, बताइए। अलीबाबा क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलीबाबा एक ई कॉमर्शियल साइट है और इसके ऑनर कौन हैं, तो जैक मा है। कौन है, जैक मा है अलीबाबा के ऑनर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और CCC से संबंधित 2000 क्वेश्चन की PDF की लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। जो क्वेश्चन CCC एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको उस PDF में मिल जाएंगे, तो उस PDF को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आइए देखते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे प्रीवियस क्लासेस में पूछे थे, उन क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन था, NEFT की शुरुआत कब हुई। तो NEFT की शुरुआत हुई थी नवंबर 2005 में। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, IPv4 कितने बिट का होता है। IPv4 और IPv6 ये दोनों इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं, जहां पर IPv4 आपका 32 बिट का होता है। अगर आपसे पूछता है IPv6 के बारे में, तो IPv6 आपका 128 बिट का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और पहला क्वेश्चन भी आपका कमेंट से ही संबंधित है कि कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है, लेकिन ये कमेंट यूट्यूब का कमेंट नहीं है, ये कमेंट है आपका लिब्रे ऑफिस का। तो लिब्रे ऑफिस में कमेंट का ऑप्शन कहाँ मिलता है, बताइए। आपके ऑप्शन हैं इंसर्ट, फाइल, एडिट एंड टूल्स, फटाफट आंसर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GUI का प्रयोग किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यूजर और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और यूजर, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं,
तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए नए वीडियोस आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।